नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के महान स्पिनर शेन वॉन का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थाईलैंड में हार्ट अटैक आने के कारण शेन वॉन की मौत हो गई। शेन वॉन की गिनती दुनिया के सबसे सफल गेंदबाजों में होती है। शेन वॉन श्रीलंकाई खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शेन वॉन ने 145 टेस्ट मैचों में कुल 708 विकेट झटके हैं। शेन वॉन के निधन के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें याद किया है। भारत के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने शेन वॉन की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, यकीन नहीं कर सकता, महान स्पिनरों में से एक, स्पिन को कूल बनाने वाले सुपरस्टार शेन वॉन नहीं रहे। उनके परिवार, दोस्तों, दुनिया भर के उनके फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं। शेन वॉन ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी कैप पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेन स्पिनर शेन वॉन की ही थी। बताया जाता है कि शेन वॉन की बैगी ग्रीन कैप नीलामी होने वाली क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी कैप थी, जिसके लिए नीलामी में 5 करोड़ तक की बोली लगाई गई थी। शेन वॉन के संन्यास लेने के एक साल बाद उन्हें आईपीएल के पहले संस्करण के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान बनाया था। इस दौरान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में मात देते हुए पहले आईपीएल टाइटल को राजस्थान रॉयल्स के नाम किया था। मोहली में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने शेन वॉन को श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्च का निधन भी शुक्रवार को ही हुआ था। खिलाड़ियों ने मौन धारण करके दोनों को याद किया। साथ ही भारतीय टीम के खिलाड़ी इन दोनों के श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाएं पर काली पट्टी लगाकर खेलने उतरे हैं। धन्यवाद।